साइट्रस कैटेगरी का प्लांट में और एक वैरायटी जो है ऑल टाइम वियतनाम माल्टा। ऑल टाइम वियतनाम माल्टा में आपको पूरा सल्फर इसका फ्रूटिंग होता रहता है, फ्लावर भी दिख जाएगा। एक ही प्लांट में आपका फ्लावर फ्रूटिंग होता रहता है, छोटा बड़ा साइज का आपको फ्रूट इसमें दिख जाएगा। तो ये बड़ा फ्रूट है, थोड़ा अभी मैच्योर नहीं हुआ है, मतलब छोटा है थोड़ा, पर इससे भी छोटा आप देख सकते हैं इसमें प्लांट में। तो इसका जो इसमें देखिए, इस जो प्लांट में अभी उस प्लांट में आप देखें मतलब थोड़ा बिग साइज का था, अभी ये इसमें देखिए थोड़ा छोटा छोटा है, तो इसीलिए ऑल टाइम होता रहता है। इसमें जो ब्रिक्स का जो वैल्यू है आपका 10 के ऊपर है, और 10 के ऊपर एक साइट्रस प्लांट के लिए मतलब मीठा होता है, तो ये मीठा होगा। जैसे बारीवन माल्टा में मिठास थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा मिठास कम होगा, पर एज कम्पेयर टू बारीवन माल्टा सेम ही रहता है नॉर्मली। पर इसको जूस करके अगर खाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसका अगर डायरेक्ट आप बारीवन माल्टा जैसे आप खाएंगे तो इसमें होठ थोड़ा जैसे आपका पोमेलो में जलता है ऐसे ही होता है नॉर्मली, पर ये जूस के लिए बेहतर है। तो आप जूस के लिए यूज़ कर सकते, पूरा साल भर होता है, इसीलिए मार्केट वैल्यू भी अच्छा मिलेगा। एक फ्रूट का बजन नॉर्मली आपका 250 से 500 ग्राम से ऊपर ही होता है, 250 ग्राम से ऊपर ही होता है। तो बिग साइज प्लांट, बिग साइज है इसका फ्रूट, और ये अच्छा मतलब पूरा साल भर मिलता है, इसीलिए मार्केट वैल्यू भी अच्छा जाता है। तो जूस जो करता है हर दिन मिलता रहता है, नॉर्मली हर टाइम तो माल्टा नहीं मिलता है, तो ये आपको मिल जाएगा। थैंक यू।